भी आपसे जानकारी लेंगे दूसरी खबरों पर। एक बात यहाँ पर साफ कर दे, चाहे ढोंगी बाबा हो या धोखेबाज वकील हो या फिर धोखेबाज कोई और व्यक्ति, वो कानून की नजरों से कभी नहीं बच पाएगा। अगर गुनाह किया है तो सलाखों के पीछे जाना ही होगा। गुरुग्राम के सनसिटी वर्ल्ड स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगा और यहाँ शिक्षा और करियर विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम अगले 3 दिन तक यूं ही जारी रहेगा, जिसमें शिक्षा और बच्चों के करियर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस गोष्ठी में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया जाता है। बच्चा जब टीन एज में आता है तो उसे अपने करियर को लेकर चिंता सताने लगती है, लेकिन उस वक्त उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण बच्चा अपना लक्ष्य नहीं साध पाते हैं। ICC3 जो है वो इंटरनेशनल करियर और कॉलेज काउंसलिंग कॉन्फ्रेंस है, जो कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं ये इस सब्जेक्ट पे विचार करने के लिए कि बच्चों को किस तरह एडवाइस किया जाए। ये बच्चे स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में होते हैं, इनकी बाकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इनको हम लोग अंग्रेजी भी पढ़ा लेते हैं, हिंदी भी पढ़ा लेते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन इनको करियर और कॉलेज के बारे में समझाना, गाइड करना, ये एक हमारे सिस्टम में कई बार चीज रह जाती है। तो करियर और कॉलेज काउंसलिंग का जो महत्व है वो दुनिया के सामने आए, स्कूल्स के सामने आए, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे सकें, एडवाइस दे सकें, ताकि उनको अपने जीवन में कहाँ आगे पढ़ाई के लिए जाना है, क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें वो समझ सकें अच्छी तरह से। और वो पढ़ने के बाद फिर जब वो इंडस्ट्री में आए, जब वो काम करें, तो वो बड़े होकर खुश प्रोफेशनल। और संवाददाता प्रवीण शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, काउंसलिंग का महत्व तो हम सब जानते हैं, खासकर जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब इस काउंसलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वाकई में ये जो कदम उठाया गया गोष्ठी के रूप में सराहनीय है। जी बिल्कुल, देखिए उपनेश, एक बड़ी समस्या हमारे समाज में रहती है कि जब बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में होता है तो उसको अपना कैरियर का चुनाव करना होता है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है और आगे उसे भविष्य में क्या करना है। और अक्सर देखने में आता है कि माँ बाप अपनी मर्जी बच्चे के ऊपर थोपते हैं या टीचर से बच्चा पूछता है तो टीचर उसे बताते हैं, लेकिन बच्चे की बात को सुनकर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग एक बहुत बड़ी जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, कि बच्चा किस दिशा में काम करना चाहता है। कई बार अक्सर देखने में आता है कि बच्चे अनमने ढंग से किसी प्रोफेशन को अपनाते हैं और जिंदगी भर उसे घसीटते रहते हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है गुरुग्राम में, और ये लगातार 3 दिन चलेगा, जिसमें बच्चों के अभिभावक भी जुड़ेंगे, बच्चों के टीचर्स भी जुड़ेंगे। अभी ये हाई लेवल पे चल रहा है, जो यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफेसर हैं अभी वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो अपना साझा कर रहे हैं मत, साइकोलॉजिस्ट इसमें शामिल हैं कि किस तरह से बच्चे की काउंसलिंग की जाए, किस तरह से ये सोचा जाए कि बच्चा अपना कैरियर इस प्रोफेशन में अपनाना चाहता है और उस प्रोफेशन की तरफ ही उस बच्चे का रुख किया जाए, ताकि भविष्य में जब वो काम करने के लिए निकले फील्ड में तो एक अच्छे तरीके से काम कर सके और तरक्की की राह पर बढ़ सके। जी प्रवीण, आप इस गोष्ठी को कवर कर रहे हैं, तमाम छात्र वहां पर पहुंचे, अभिभावक पहुंचे, किस तरीके के हाव-भाव बच्चों के चेहरे पर, उनके अभिभावकों के चेहरे पर नजर आए, क्योंकि एक बड़ी चिंता अभिभावकों की भी लगी रहती है। बिल्कुल, देखिए अगर इस गोष्ठी में जो बातें विचार कर रहे हैं, जिन पर मंथन चल रहा है, अगर वो बातें स्कूल स्तर पर लागू होती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को इसका बहुत फायदा मिलेगा और अभिभावक भी इस बात को लेकर खुश नजर आ रहे हैं कि जो कैरियर सिलेक्शन कई बार माँ बाप नहीं कर पाते, कई बार माँ बाप दिशा नहीं दे पाते बच्चों को, अगर स्कूल में टीचर ही उनका कैरियर की काउंसलिंग करके उनका कैरियर डिसाइड करते किस फील्ड में बच्चे को जाना है, उसका निर्धारण अगर कॉलेज स्कूल में ही हो जाएगा तो कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए भी खुशी की खबर है और उन बच्चों के लिए भी बड़ा सुकून रहेगा कि जो कई बार अनमने तरीके से दूसरे कैरियर में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है और माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात है। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस तरह के सेमिनार जगह जगह और समय समय पर आयोजित करके इसको बढ़ावा दिया जाएगा, स्कूलों में इसको शामिल किया जाएगा कि शिक्षा और कैरियर काउंसलिंग एक साथ कराई जाए। जी प्रवीण, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस गोष्ठी में आपको बता दें कि छात्रों की हर समस्याओं को दूर किया